रजत ने कराई ईशा और शांतनु की बेल, मांग ली हाथ जोड़कर सबसे माफी। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में का आने वाला एपिसोड अब धमाकेदार होने वाला है, जहां पर ईशा और शांतनु को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो वहीं जब सभी सई को लेकर हॉस्पिटल से वापस आएगी तो यहां पर रजत की फैमिली जो है सभी पर बरस पड़ेगी और काफी उल्टा सीधा बोलेगी। और यहां पर रजत फिर से सभी के साथ बदतमीजी करने वाला, लेकिन यहां सभी जो है सभी की बोलती बंद कर देगी और हॉस्पिटल के पेपर्स दिखाए कैसे यहां पर उसने सई की जान बचा ली। परिवार की लापरवाही की वजह से आज सई जो है सबके बीच नहीं रहती, लेकिन सभी की समझदारी की वजह से सई बच गई। जी हाँ, जैसे ये पेपर जो रजत पड़ेगा वो शॉक में आ जाएगा, तो वही सभी को पता चलेगा कि ईशा और शांतनु को पुलिस पकड़ कर ले गई है सई के किडनैपिंग के इल्जाम में। जी हाँ, एक तरफ तो सभी पर इतने इल्जाम लग रहे हैं तो वही सभी की शादी भी टूट जाएगी, लेकिन अब रजत को अपनी गलती का एहसास फाइनली होने वाला है। वो जाकर पुलिस स्टेशन में सबसे पहले ईशा और शांतनु की बेल करवाने वाला और बताने वाला है कि सई किडनैप नहीं हुई थी। जी हाँ, अब यहाँ पर ईशा और शांतनु को घर वापस लेकर आने वाला रजत और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने वाला है, लेकिन क्या यहां पर सभी का रिश्ता दोबारा हो पाएगा? मतलब हमें कमेंट की शेयर कर दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रजत जो है अपनी कंप्लेन वापस ले ले और एक बार फिर से वो सभी से बदतमीजी ना करके उससे माफी मांगे? तो हमें ढेर सारे कमेंट्स बताएं। ऐसी टीवी के लिए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।